हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम कर्वेचर यानी वक्रता से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कर्वेचर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले वगैरह थे वो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को समझाए थे। अगर कोई विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं, और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें दिया हुआ है एक चक्रज फॉर द साइक्लॉइड। चक्रज के लिए सिद्ध कीजिए, रॉ की वैल्यू लानी है 4a cos थीटा बाई 2, और इसके लिए हमको x और y की अलग अलग इक्वेशंस दे रखी है जो थीटा के रूप में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर हमको इक्वेशन दे रखी है और हमको रॉ का मान ज्ञात करना है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर जो रॉ का फॉर्मूला होता है, पहले तो हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं कि वो क्या है, और उसी के आधार पर फिर हम आगे सॉल्व करने को देखेंगे कि हमें क्या करना है। देखिए, प्राचलिक समीकरणों प्राचलिक समीकरण के लिए रॉ का मान, तो प्राचलिक समीकरण का मतलब होता है कि x और y के मान अगर हमको अलग अलग दे रखें तो उनका अलग अलग अवकलन करके रॉ की वैल्यू हम निकालेंगे। तो प्राचलिक समीकरण के रूप में जो रॉ का मान है हमारे पास वो होता है x डैश का वर्ग प्लस y डैश का वर्ग होल पावर 3/2 और अपॉन में x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। यहां पर सिंगल डैश और डबल डैश का मतलब एक बार और दो बार अवकलन है थीटा के सापेक्ष। x और y की जो समीकरण दे रखी है वो थीटा के रूप में, थीटा के फलन के रूप में, तो हमको x और y के जो अवकलन करने एक बार और दो बार वो थीटा के सापेक्ष करने। देखिए, x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का थीटा के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा। x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसको हम लिखेंगे x डैश इक्वल टू a अचर थीटा का 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा। दोबारा अगर करते हैं तो x डबल डैश हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा और कॉस का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस का निशान लगा दिया और साइन थीटा हो गया। इसी प्रकार अब हम वाई का करते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन, वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। y की वैल्यू हमारे पास है a1 वन माइनस कॉस थीटा, तो सबसे पहले y डैश जिसमें a कांस्टेंट, 1 का 0 और 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का माइनस साइन, इसलिए वो प्लस में हो जाएगा साइन थीटा। दोबारा किया इसका तो y डबल डैश हो जाएगा, a कांस्टेंट साइन का कॉस थीटा। तो हमने ये सारे मान निकाल लिए, x डैश x डबल डैश y डैश y डबल डैश, इन सब के मान हमारे पास आ गए और अब हमको सिद्ध करना है रो की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 1 अगर हम इसको मान लेते हैं, यहां पर जो हमने फॉर्मूला लिखा है तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, समीकरण 1 में मान रखने पर
तो देखिए रॉ इक्वल टू एक्स डैश, एक्स डैश का मान हमारे पास, एक्स डैश का मान हमारे पास है ए वन प्लस कॉस थीटा, ए वन प्लस कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर करना है तो ये हो गया इसका स्क्वायर, प्लस वाई डैश का स्क्वायर करना है तो वाई का मान हमारे पास है वाई डैश का ए साइन थीटा, तो यहां पर वाई डैश का मान हम लिख देते हैं ए साइन थीटा और इसका वर्ग, और फिर पूरे की पावर हमको लेनी है तीन बटे दो। अपॉन में आ जाते हैं, अपॉन में सबसे पहले है एक्स डैश, और एक्स डैश का मान है ए वन प्लस कॉस थीटा, साथ में वाई डबल डैश, वाई डबल डैश का मान है ए कॉस थीटा माइनस, अब वाई डैश तो वाई डैश का मान है हमारे पास ए साइन थीटा, वाई डैश का मान लिख दिया हमने ए साइन थीटा, और साथ में आएगा एक्स डबल डैश का मान, तो एक्स डबल डैश का मान है माइनस ए साइन थीटा, तो यहां पर ये आ जाएगा माइनस का ए साइन थीटा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए ऊपर पहले कोष्टक में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दूसरे वाले कोष्टक में से भी ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर जो कॉमन आएगा वो टोटल पावर तीन बटे दो के साथ कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर की पावर तीन बटा दो करेंगे, जैसे ए स्क्वायर की पावर तीन बटा दो अगर करते हैं तो वो ए की पावर तीन रह जाती है, तो ए की पावर तीन कॉमन आ जाएगा। अब क्या बचेगा वो देखते हैं, अंदर बचेगा वन प्लस कॉस थीटा का वर्ग, तो वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम यहां पर खोल के लिख लेते हैं, तो वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा, ये इसका होल स्क्वायर खुल गया, फिर प्लस यहां से ए कॉमन चला गया साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर तीन बटे दो। नीचे देखते हैं नीचे क्या होगा, नीचे देखिए ए और ए मिलके ए स्क्वायर हो गया, ये कॉमन आ गया पीछे वाले पद में से भी, कॉस थीटा को वन प्लस कॉस थीटा से गुणा किया तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर माइनस से माइनस गुणा होके ये प्लस हो गया और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और आगे सॉल्व करते हैं, ए की पावर तीन में से ए कट जाएगा तो स्क्वायर कट जाएगा तो ए बचेगा, अंदर क्या होगा देखिए यहां पर ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर ये दोनों मिलकर के हो गए एक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान एक, एक और ये वाला एक मिलकर के हो जाएगा दो, अब रह जाएगा दो प्लस दो कॉस थीटा, तो ये हो गया दो प्लस दो कॉस थीटा की पावर तीन बटे दो, और बटे में रह गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान यहां पर भी एक, तो वन प्लस कॉस थीटा, तो वन प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास इतना मान आ गया। अब देखिए ऊपर से अगर हम दो को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से अगर हम दो को कॉमन लेते हैं तो तीन बटे दो पावर के साथ आएगा, यानी कि दो की पावर तीन बटा दो, यानी कि दो अंडर रूट दो ए, और फिर ये रह गया वन प्लस कॉस थीटा की पावर तीन बटे दो, और बटे में है वन प्लस कॉस थीटा, तो देखिए वन प्लस कॉस थीटा की पावर तीन बटा दो में से ये वन प्लस कॉस थीटा की पावर वन कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास रह जाएगा दो अंडर रूट दो ए, और केवल वन प्लस कॉस थीटा की पावर एक बटा दो रह जाएगी, और वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सबको मालूम होगा क्या होता है, हाफ एंगल में इसका फॉर्मूला आएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बटे दो की पावर एक बटे दो। अब यहां से क्या होगा कि दो अंडर रूट दो और ए तो पहले से ही हमारे पास है, तो ये दो के ऊपर एक बटा दो पावर और लगेगी, यानी कि एक और अंडर रूट दो हो गया, कॉस का स्क्वायर है स्क्वायर के ऊपर एक बटा दो पावर लगेगी, तो दो से दो कट के केवल कॉस थीटा बटे दो रह जाएगा,
और इसको आगे और सिंपलीफाई अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा रॉ इक्वल टू अंडर रूट दो और अंडर रूट दो मिलकर के टू हो गया, टू इंटू टू फोर हो जाएगा, ए आ जाएगा और कॉस थीटा बाई टू आ जाएगा। और यही हमको इसमें प्रूफ करना था कि वक्रता त्रिज्या का मान रॉ बराबर फोर ए कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि सभी के समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।